सो हे गाइस, वेलकम टू वॉच बिफोर यू बाय। आज का जो प्रोडक्ट मैं रिव्यू कर रही हूँ वो समर्स के लिए बहुत ही इसेंशियल प्रोडक्ट होता है। आज का ब्रांड है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की तरफ से सनस्क्रीन जेल, जिसमें हमें मिलती है SPF 15 की प्रोटेक्शन, और क्वांटिटी हमें मिलती है 50 ग्राम की, और प्राइस हम काफ़ी ज़्यादा पे करते हैं जो कि है 495 इंडियन रुपीज़। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये SPF 495 इंडियन रुपीज़ के लायक है या फिर नहीं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट नाम का जो ब्रांड है वो है कैसा, इन्होंने क्या क्लेम किया है। तो इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो प्लांट से बनाते हैं, जो भी इनके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको ऑर्गेनिक और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही देखने को मिलते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। इन्होंने यहाँ तक की गारंटी भी दी है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं इनके किसी भी ऑर्गेनिक हार्वेस्ट प्रोडक्ट के साथ, तो आप वो जो प्रोडक्ट है वो कंपनी को वापस भेज सकते हैं और ये आपके पूरे पैसे रिफंड कर देंगे या फिर रिप्लेस कर देंगे वो प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट के साथ जो कि आपकी चॉइस का होगा। लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो 50% से ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बड़ा क्लेम है जो एक कंपनी कर रही है। आगे कंपनी लिखती है कि ये जो प्रोडक्ट है इनकी सनस्क्रीन वो बहुत ही लाइट है और जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और कोई भी मैट फील नहीं छोड़ती है। ये फ्री फ्रॉम पैराबेंस है, मिनरल ऑयल्स भी नहीं है इसमें और एनिमल इन्ग्रीडियंट्स भी एडेड नहीं है। इन्ग्रीडियंट्स पर नज़र डालें तो यहाँ पर एक्वा, ग्लिसरीन एंड बेंजोफेनन 3 का यूज़ किया गया है। यहाँ तक कि इसमें एडेड कलर भी नहीं है। ये जो जेल है वो सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए है। यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसा कि ये जो प्रोडक्ट है वो GMO फ्री है, वीगन है, नॉन टॉक्सिक है, रिसाइकल्ड है और क्रुएलिटी फ्री है। यहाँ पर इसमें सील मिलती है हमें, जिसको कि आप देख सकते हो, क्वालिटी चेक कर सकते हो, ये सील लगी होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में हमें ये देखने को मिलता है। पैकेजिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है। ये रहा हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट है, छोटू सा है, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर लीड में हमें लॉक और अनलॉक का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसको आपको सेफली कैरी करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर एक्सपायरी वगैरह और प्राइस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। कलर इन्होंने जैसा कि लिखा था कि नो एडेड कलर है इसमें, तो सीरियसली इसमें कोई भी कलर हमें देखने को नहीं मिलता। ये हमें जेल बेस्ड ट्रांसपेरेंट टाइप देखने को मिल जाता है। कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ना बहुत रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। हल्के से आप इसको रब करोगे तो ईजिली स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। स्मेल की बात करूँ तो स्मेल भी एकदम माइल्ड सी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं की गई हैं कलर के लिए या फिर स्मेल के लिए। नॉन टॉक्सिक है ये, तो इसके लिए स्मेल भी हमें एकदम माइल्ड सी मिलती है। होता मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस इस सनस्क्रीन जेल के साथ, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे ऐसी सब चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। उस हिसाब से मेरे जो भी इश्यूज़ होते हैं उन सब चीज़ों पर ये खरा उतरा है, स्किन में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होता है और आपको SPF का प्रोटेक्शन भी देता है। SPF 5 फील की थोड़ा सा कम है, अगर थोड़ा सा SPF ज़्यादा होता तो ज़्यादा बेटर रहता, और कोई भी इशू मुझे फील नहीं हुआ है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है और अगर आप कोई ऐसा जेल बेस्ड फॉर्मूला SPF अपनी स्किन के लिए चाहते हो तो इसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये ऑर्गेनिक है, आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, तो आप इसको बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी कॉस्टली है, अगर आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए, कंपेरिजन और रिव्यू प्रोडक्ट के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे।